वेलकम टू कंचन स्टूडियो। आज हम देखेंगे बॉर्डर्स, उसको हम सेपरेटर्स भी बोलते हैं और कनेक्टर्स भी बोलते हैं। सो जो दो डिजाइन में यूज करने के लिए हम जो पैच यूज करते हैं, पैटर्न यूज करते हैं, उसको बॉर्डर्स बोलते हैं। तो कम्प्लीटली बेसिक के साथ हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आपको थिन लाइन थिक लाइन का कॉम्बिनेशन लेना है। शुरू में आपको हैंड की साइज की लाइन बनानी है, जिसका आपका 6 to 7 inches का हर एक बेल्ट बनाना है। तो पहले हम लेंगे थिन लाइन, उसको बनाएंगे हम इस तरह से। आपको परफेक्टली थिन लाइन एंड थिक लाइन का कॉम्बिनेशन बनाना है। इसके ऊपर एकदम स्मॉल या आपके साइज के हिसाब से आपको यहाँ पे अच्छे से डॉट राउंड शेप पे बनाना है। इस तरह से बॉर्डर का फॉर्मेट आपको क्रिएट करना है। नेक्स्ट हम वही सेम रिपीट करेंगे, थिन लाइन थिक लाइन का कॉम्बिनेशन। इसको अच्छे से हम बनाएंगे स्मॉल साइज के। नेक्स्ट बनाएंगे इसमें ब्रॉड वाला यू शेप लेंगे प्रॉपर। इस तरह से ब्रॉड यू बनाते हुए आपका ये बेल्ट तैयार होगा। इसके साथ ही हम एक लाइन देंगे, गाइडलाइन बोल्ड फिलअप करेंगे जिस तरह से आप देख रहे हो। तो आपका ये बेल्ट इस तरह से तैयार होगा। और नेक्स्ट एलिमेंट इसके साथ इस तरह से आपको कनेक्ट करना है लाइन एंड हम्प यूज करके। देन आपका नेक्स्ट डिजाइन यहाँ से स्टार्ट होता है। हम सेम रिपीट करेंगे थिन लाइन थिक लाइन का कॉम्बिनेशन। इसको हम के साथ कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम वी शेप बनाएंगे। इस तरह से आपको वी को एक दूसरे के साथ सिमिलर फॉर्मेट में सेम साइज में पूरे बॉर्डर पे निकालना है। आप देख रहे हो हमने लैंटेड लाइन एक दूसरे के साथ कनेक्ट की है। तो सेकेंड लेयर में हम वेरी स्मॉल वी निकालेंगे। यहाँ पे प्रॉपर स्लैंटेड लाइन का फॉर्मेट ये यहाँ पे यूज करना है। ये ब्यूटीफुल वी शेप का बॉर्डर आपका तैयार होगा। यहाँ पे लेयरिंग के लिए हम डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो फर्स्ट लेयर में स्मॉल वी को हम यहाँ पे फिलअप करेंगे, तो ऑटोमेटिकली लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन तैयार हो। नेक्स्ट के लिए हम सेम प्रिपरेशन बनाएंगे, थिन लाइन लाइन का कॉम्बिनेशन। हम यहाँ पे हम बनाएंगे एक्स, अल्फाबेट एक्स। यहाँ पे आपको गाइड लाइन बना के लेनी है, सेंटर में आपको क्रॉस लाइन को कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ। इस तरह से एक्स फॉर्मेट में आपकी ये बॉर्डर तैयार होगी। ये बहुत ही ईजी है, आपको बस खाली एक दूसरे को लाइन सेंटर में परफेक्टली कनेक्ट करना है और सेंटर में इसके अच्छे से डॉट्स से हम कनेक्ट करेंगे। इसका फाइनल लुक इस तरह से अच्छे से पूरा बॉटम लाइन बोल्ड करके इस तरह से दिखेगा। नेक्स्ट बॉर्डर लाइन का कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हुए इस तरह से हम शेप बनाएंगे। यहाँ पे बराबर सेंटर में आपको यहाँ पे शेप एक दूसरे को अप एंड डाउन डायरेक्ट बनाना है। इसका फाइनल लुक इस तरह से लगेगा। परफेक्टली सेंटर में आपको एल का शेप लाना है। नेक्स्ट बॉर्डर थिन लाइन थिक लाइन का कॉम्बिनेशन हम के साथ, इसमें हम गाइड लाइन लेंगे हमारे बॉर्डर के लिए। यहाँ पे हम अल्फाबेट निकालेंगे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जिस तरह से आप देख रहे हो इस तरह से आपको टी को इक्वल स्पेसिंग में इक्वल साइज में आपको इस तरह से अप एंड डाउन डायरेक्शन में निकालना है। वन साइड परफेक्टली सेंटर में आना चाहिए, तभी ये अच्छा दिखेगा। तो इस तरह से आपको ये डिजाइन पैटर्न क्रिएट करना है बॉर्डर का, टी शेप का। इस तरह से आपको फिनिशिंग लुक देने के लिए बॉटम लाइन में आपको बोल्ड लाइन बनाना है। तो बोल्ड लाइन बनाने के लिए आपको थिन लाइन लेके फिर लाइन उसको बनानी है। नेक्स्ट आई अल्फा बेट बनाएंगे हम। इस तरह से हम बॉर्डर की लेंथ के गाइडलाइन बनाएंगे। इस तरह से हम के साथ कनेक्ट करके स्मॉल आई का फॉर्मेट हम इस तरह से निकालेंगे बोल्ड वाला, जिस तरह से आप देख रहे हो। परफेक्टली सेंटर तक ही आपको ये बनाना है और नीचे से डाउन लाइन की तरफ से आपको फिर से सेम बनाना है आई शेप इस तरह से। आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल डिजाइन तैयार हो रहा है, अप एंड डाउन का आई बन रहा है यहाँ पे। इस तरह से फिनिशिंग लाइन देके आपको बॉटम की लाइन बोल्ड बनानी है। नेक्स्ट बॉर्डर परफेक्टली सेंटर में हमको यहाँ पे वेव लाइन निकालनी है। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं लीव्स। वेव लाइन के कर्व की डायरेक्शन में आपको ये इसका डायरेक्शन देना है इस तरह से। परफेक्टली लीव की प्रैक्टिस भी आपको करनी चाहिए, तभी जाके ये अच्छे से बॉर्डर की अब परफेक्टली आएगी। यहाँ पे कर्व के लीव की साइज के हिसाब से कर्व लेंगे, बॉटम लाइन में बोल्ड फिलअप करेंगे। तो फाइनल डिजाइन का लुक इस तरह से हमारा क्रिएट होगा। नेक्स्ट वाला बॉर्डर पैटर्न हम क्रिएट करेंगे थिन लाइन थिक लाइन प्लस हम वन साइडेड लीव का पैटर्न बोल्ड वाले लीव्स यहाँ पे निकालेंगे। इस तरह से आपको एक डायरेक्शन में टच करके डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ से इसको खींचना है। ये बोल्ड वाले लीव्स हमने सीखे थे फर्स्ट क्लास में। इस तरह से आपको कर्व लेके नीचे से आपको ये बॉर्डर लाइन कंप्लीट बनानी है। तो इसको बोल्ड लुक देने के लिए हम इसको एक गाइड लाइन लेंगे और उतना बोल्ड फिलअप, उतनी साइड का बोल्ड फिलअप कंप्लीट करेंगे। तो हमारे ये डिजाइन का फाइनल लुक इस तरह से दिखेगा।
नेक्स्ट पैटर्न इसमें हम लेंगे स्मॉल साइज में बोल्ड वाली मोटी, जिसको हम कैरी भी बोलते हैं इस तरह, और टेल भी बोलते हैं इसको। बोल्ड बोल्ड फॉर्मेट में बनाना है रिवर्स डायरेक्शन में। इस तरह से सेम साइज में आपको रिवर्स डायरेक्शन में एक दूसरे को कनेक्टेड प्रॉपरली सेंटर लोकेशन में आपको ये बनानी है। इस पैटर्न में आपका इस तरह से डिजाइन क्रिएट हो जाएगा बॉर्डर का। ये बहुत ही सुंदर लगेगा। वेवी शेप में आपको इस तरह बॉटम से एक डिजाइन कनेक्ट करके तो फाइनल बॉर्डर का पैटर्न इस तरह से दिखेगा, और इसको कंप्लीट फिनिशिंग फाइनल बॉर्डर में इस तरह से लुक होगा। नेक्स्ट पैटर्न डॉटेड लाइन का फॉर्मेट बॉर्डर क्रिएट करेंगे। ये बॉर्डर साइज हमारा थोड़ा सा बड़ा होगा, 1 से 1.5 इंच तक का ये बॉर्डर रहेगा। तो इसमें हमने वर्टिकल लाइन डॉटेड लाइन बनाने के लिए हमने इससे स्टार्ट किया है, इसका ब्रेकअप पहले लाइन। तो इसके साथ ही डॉट से हम लाइन को इस तरह से अल्टरनेट डॉट में एक दूसरा लाइन का डॉट कनेक्ट करेंगे, तो इसका लुक इस तरह से दिखेगा। फर्स्ट लाइन में 3 डॉट्स आएंगे, तो सेकेंड लाइन में 2 डॉट्स आएंगे, और 2 डॉट्स के बाद थर्ड लाइन में अगेन 3 डॉट्स आएंगे। इस तरह से अल्टरनेट कॉम्बिनेशन आपको इसका बनाना है। फाइनल लुक फिनिशिंग के लिए आपको बॉटम में बोल्ड लाइन से फिनिश करना है इसको। नेक्स्ट डिजाइन कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट हम गाइडलाइन लेते हुए दोनों आधा इंच का हम यहाँ पे बॉर्डर पैटर्न तैयार करेंगे, जिसमें हम बनाएंगे सर्कल। सर्कल की साइज आपको मेक श्योर करना है कि सबकी सेम हो, परफेक्टली सेंटर में सर्कल आपको निकालना है। और साइड का जो फिनिशिंग आपको कंप्लीट करना है, तो इस तरह से जितना भी स्पेसिंग गैप है वो आपको बोल्ड फिलअप से कंप्लीट करना है, तो फाइनल बॉर्डर का लुक इस तरह से दिखेगा। नेक्स्ट पैटर्न भी इस तरह से सेंटर से हम स्टार्ट करेंगे। सेंटर लाइन में हम लिख लेंगे दोनों डायरेक्शन में। तो फर्स्ट हमने अपर लाइन के निकाले हैं, एक ही डायरेक्शन इसमें आपको फॉलो करना है, जो आप स्टार्ट में यूज किया हो वही सेम आप फॉलो करना है। इस तरह से नेक्स्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आपको सेम लीव्स बनानी है, ये फ्री हैंड की तरह। टॉप एंड बॉटम में दोनों तरह से सेम होने चाहिए। इस तरह से ये बॉर्डर पैटर्न क्रिएट होगा और फाइनल लुक इस तरह से बोल्ड फिनिशिंग के साथ आएगा। नेक्स्ट पैटर्न, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे एक पेंडुलम, जो एक स्मॉल साइज में रहेगा, एक लॉन्ग लेंथ पे बिग साइज में रहेगा। तो इस तरह से आपको अल्टरनेट स्मॉल अल्टरनेट बिग बनाते हुए आपको इस बॉर्डर पैटर्न को इस तरह से क्रिएट करना है। अल्टरनेट इसमें आप लाइट स्मॉल साइज बिग साइज का बनाना है। फिनिशिंग के साथ इसको आपको बोल्ड लाइन के साथ फिनिश करना है। इस तरह से लुक इसका फाइनल आएगा। 15 नंबर पैटर्न हम क्रिएट कर रहे हैं। इसमें हम क्रिएट करेंगे स्पाइरल। इस तरह से बहुत अच्छे से स्पाइरल के लेयर बना के आपको एक दूसरे के साथ सेम साइज के स्पाइरल बनाने हैं। एक ही डायरेक्शन में हमने फॉलो किया है स्पाइरल बनाना, वही सेम फॉलो करना है आपको भी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने यहाँ पे स्पाइरल बनाया है, तो आपको भी सेम जो स्टार्ट में आप स्टार्ट करते हो उसी को आपको एंड तक फॉलो करना है, तभी फॉर्मेट आपका इक्वल लगेगा। और यहाँ पे हमने छोटे से ड्रॉप की तरह हमने दोनों के सेंटर में एक डिजाइन क्रिएट किया है टियर ड्रॉप वाला, और फाइनली डॉट के साथ इसको एंडिंग में फिनिश किया है। ओपन में भी डिजाइन बहुत अच्छा लगेगा और स्टार्ट में भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वाला हम बनाएंगे इसके साथ ही हार्ट शेप का एक अच्छा ब्यूटीफुल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो वाला डिजाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हमने पहले ही दोनों तरफ से गाइडलाइन बना के उसको हम के साथ इंटरनल पार्ट में कनेक्ट किया है, और दोनों का सेंटर परफेक्टली निकाल के हार्ट शेप में यहाँ से इस तरह से आपको जस्ट हार्ट का वन साइड हाफ पार्ट क्रिएट करना है। क्रॉस लाइन में यू शेप बनाना है। इस तरह से आपको जस्ट क्रॉस लाइन में यू शेप बनाते बनाते एंड तक आपका वन साइड कंप्लीट हो जाएगा। सेम क्रॉस लाइन का यू बना के आपको इस तरह से एक दूसरे को अपर पार्ट पे कनेक्ट करना है। ये बहुत इजी है, आपको आसानी से आ जाएगा अगर ये ट्रिक आप फॉलो करते हो तो। हर एक सेम साइज में आपका ये यू शेप दिखेगा और ये फाइनल लुक इसका हार्ट शेप में बनेगा। तो इस तरह से साइड के ब्लैंक स्पेसिंग आपको कंप्लीट करके लेना है। इस तरह से हार्ट शेप का ये ट्रेंडिंग वाला बॉर्डर पैटर्न आप क्रिएट कर सकते हो, बहुत सुंदर दिखता है। नेक्स्ट वाला पैटर्न इस तरह से एड़ का या आयरन का आपको ये बनाना है। यहाँ पे इस तरह से स्मॉल वाला एल शेप डायरेक्शन में इस तरह से बनाना है। सेम डाउन डायरेक्शन से भी आपको एक अपवर्ड डायरेक्शन में उल्टा एल बनाना है यहाँ पे। इस तरह से ये फाइनल लुक आपका इस डिजाइन का दिखेगा, और फिनिशिंग लाइन के साथ आपको इस तरह से डिजाइन को कम्प्लीट
कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वाला पैटर्न, नेक्स्ट वाला हम बनाएंगे सबका फेवरेट स्वस्तिक, 3D पैटर्न वाला स्वस्तिक बनाएंगे। तो इसमें हम गाइडलाइन इस तरह से लेंगे और इक्वल पार्टीशन करते करते हम इस तरह से बॉक्सेस बनाएंगे। दो लाइन को अल्टरनेट इसमें इक्वल बॉक्सेस साइज बनाने के लिए इस तरह से दो लाइन क्रिएट करेंगे और सेंटर में। तो फर्स्ट वाला इस तरह से हमने स्वस्तिक बनाया। तो इसका ट्रिक आपको, आपका अगर लेफ्ट राइट हैंड से बना रहा है तो पहले लेफ्ट हैंड को आपको क्रिएट करना है, देन बराबर 1/3 साइड में आपको दूसरी साइड से इसको इस तरह से 1/3 पैटर्न में आपको स्मॉल लाइन देके इस तरह से आपका ये स्वस्तिक क्रिएट होगा। एंड इसको बोल्ड बनाना है इस तरह से, जो सेंटर में हमने टू लाइन्स निकाले इसको बोल्ड पैटर्न में कन्वर्ट करना है और बोल्ड बना के इस तरह से फाइनल 3D लुक आपका स्वस्तिक का क्रिएट हो जाएगा। और बॉटम से दोनों तरफ से आपको इसको बोल्ड बनाना है, तभी उसका लुक 3D आएगा। एंड तक आपको प्रॉपर फिनिशिंग कैसे बनानी है वो देखना है कि हर एक पार्ट को आपको अच्छे से क्रिएट करना है, ये स्टेप वाइज फॉलो करना कंपलसरी है। नेक्स्ट वाला हम स्टार्ट किए हैं और सेंटर में लाइन लेके हमने यहाँ पे शेप में अच्छे से सेंटर लाइन से ओपन लीव्स का फॉर्मेट हमने यहाँ पे निकाला है। सेम बॉटम लाइन में गाइड लाइन लेके दूसरी साइड से भी सेम लेंथ के सेम साइज के इस तरह से लीव्स हमने निकाले। इस तरह से नॉर्मल लीव का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो इस तरह से स्टेप आपको फॉलो करना है तभी आपका डिजाइन परफेक्ट आएगा। तो इसमें मेन वेन हमने निकाला है सेंटर लीव्स का और इस तरह से वो दिखेगा। रिमेनिंग पार्ट जितना भी व्हाइट स्पेसिंग है हमने बोल्ड फिलअप के साथ फिल किया है। तो डिजाइन का प्रॉपर फुल जो डिजाइन का व्यू लगेगा तो वो इस तरह से दिखेगा। बोल्ड एंड लाइट का कॉम्बिनेशन इसमें तैयार होगा और आपके बोल्ड की ब्यूटी जो है बहुत अच्छे से इनहांस होके इसमें दिखेगी अच्छे से। तो फिनिशिंग लाइन के साथ भी आपको इसको भी फिनिश करना है, इस तरह से फाइनल लुक दिखेगा। ये नेक्स्ट वाला 28 बॉर्डर हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो आपको ये पूरा क्लास कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके मुझे बताना और एडवांस वाले बॉर्डर के लिए हम लेंगे इसके बाद वाले क्लास में। नेक्स्ट वाले क्लास में हम बेसिक कवर करेंगे, लीव्स वाइन एंड फ्लावर्स कवर करेंगे। ये वाला बॉर्डर हम स्टार्ट करेंगे फ्रील वाला बॉर्डर, फिर हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे लाइन के साथ इस तरह से, आपको जिस तरह से दिख रहा है उस तरह से हम कनेक्ट करेंगे और क्रिएट करेंगे स्टेप वाइज। आपको इस तरह से कनेक्ट करना है स्क्वायर स्क्वायर, जो कि एक तोरण की तरह लगेगा। और देन साइड में हम इसमें छोटे छोटे लाइंस निकालेंगे। लाइन का लेंथ कम ज्यादा डिजाइन के हिसाब से करना है लाइट एंड डार्क तक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। तो अच्छे से इसमें हमने हर एक एलिमेंट को आपके साथ शेयर किया है और निकालते कैसे बेसिक स्टेप्स एंड स्ट्रक्चर इसका ब्रेकअप के साथ आपको यहाँ पे दिखाया है। तो इतना भी प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे तो आपका बहुत अच्छे से बेसिक का भी प्रैक्टिस हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से मेहंदी डिजाइन निकाल पाएंगे। ये बेसिक एलिमेंट जितना क्लीन एंड नीट निकालेंगे उतना आपका पूरा डिजाइन नीट एंड क्लीन लगेगा। तो इस तरह से आप प्रोफेशनल कैसे निकालते हैं, वेरी स्मॉल एलिमेंट आपको इस पैटर्न में निकालना है तभी जाके वो बहुत अच्छा और ब्यूटीफुल दिखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, बाय।